मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये मेन रोड है और मेन रोड पर इतना पानी भरा हुआ है। मैं अभिजीत के पास चलूंगी जो कि दिल्ली सचिवालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये भी हाई प्रोफाइल, ये भी पॉश इलाका है और यहाँ पर मंत्रालय है, विधानसभा है, बड़े इलाके हैं, वो भी पानी में जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर मैं सिविल लाइन से इस वक्त दिखाना चाहूँगी। देखिए, वाटर पम्प का सहारा लिया जा रहा है पानी को निकालने के लिए। ये रेस्क्यू की तस्वीरें हैं, साथ ही आपको दिख रहा है सटा हुआ मंदिर भी, शांति कुटीर भी है, इसमें यहाँ लोग भी फंसे हुए हैं, बच्चे भी हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि उन तक मदद पहुँचेगी। एक होम्योपैथी क्लिनिक भी है जो पूरी तरह से डूबा हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या अस्पताल, क्या मंदिर, हर इलाके दिल्ली के इस वक्त इस तरह से हालात हैं कि डूबे डूबे नज़र आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी की निकासी है, जो पानी का जो पानी को हटाना है, क्योंकि ये गंदा पानी है, इससे बीमारियाँ भी पनपेंगी, ये हटाने की चुनौती ज़्यादा है। जल्दी से अभिजीत के पास चलते हैं, वो दिल्ली सचिवालय से हमें बता रहे हैं कि वहाँ की फ्लड रिपोर्ट क्या है। वहाँ पर अभिजीत, क्या अभी पानी है और क्या कुछ इंतज़ाम हो रहे हैं पानी को निकालने के लिए? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। दिल्ली सचिवालय के ठीक सामने का ये नज़ारा आप देखिए, यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाई देंगे कि अंडरपास के नीचे पूरी तरह से लबालब पानी भरा हुआ है और सामने आप देख सकते हैं कि एक बस भी डीटीसी की फंसी हुई आपको दिखाई देगी। उस बस तक वहाँ पर लोग पहुँचने की कोशिश भी, अगर जूम करके तस्वीरें आपको दिखाई दी होंगी तो वहाँ पर लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बस जो है बीते 3 दिनों से इसी तरीके से फंसी हुई है। और यहाँ दाहिने तरफ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखा सके तो यहाँ पर ट्रैक्टर से, पंप सेट से लगातार पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। हमने जानकारी यहाँ से ली तो 24 घंटे से लगातार ये काम जारी है, लेकिन 24 घंटे तक पंप चलने के बाद यहाँ पर पानी की स्थिति क्या है वो हम आपको दिखा दें। ये अंडरपास की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो पानी का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं, यानी 24 घंटे तक दो दो ट्रैक्टर और पंप लगाने के बाद पानी कितना कम हुआ है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यदि अगर इस तरीके से पानी इसको निकालना है तो इस पानी को निकालने में कितना समय लगेगा ये आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि बहरहाल हम अंडरपास के लगभग 150 मीटर की दूरी पर हैं और 150 मीटर की दूरी पर ही अगर इतना पानी है तो आगे कितना पानी होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें बस डूब चुकी है उसमें इंसान नाव के जरिए अंदर तक जा सकता है। ये दिल्ली सचिवालय के पास की तस्वीर है, यानी कि दिल्ली सचिवालय के पास के हालात ऐसे हैं। आपको दिल्ली सचिवालय अगर पहुंचना है आईटीओ की तरफ से या फिर नई दिल्ली की तरफ से तो आपके लिए ये सड़क जो है पूरी तरीके से बंद है परिचालन के लिए। पंप सेट पिछले 24 घंटे से लगातार दो दो बड़े के जरिए यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन पानी कितना है ये भी हम आपको सामने दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा कैमरा नीचे करें। बिल्कुल अभिजीत, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे तो सच्चाई पता चलती है कि मानसून में आखिर सरकार के इंतजाम कितने काफी थे कि दिल्ली आखिर पानी में डूब गई। देखिए, लाल किले के पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ और शायद आपको नजर ना आए लेकिन मुझे यहाँ से नजर आ रहा है नाव के सहारे कुछ लोग जो है वो लाल किला पहुंच रहे हैं। क्या कभी आप सोच सकते थे कि अगर आपको दिल्ली में लाल किला देखने जाना है तो आपको नाव से पहुंचना होगा? अभी तक गाड़ी लेकर पहुंचते थे लेकिन अब नाव लेकर के लाल किला देखने के लिए पहुंचना पड़ रहा है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए आप देख रहे होंगे कुछ लोग हैं जो कि नाव के सहारे यहाँ पर जो रास्ता है वो पार करने की कोशिश में है क्योंकि इतना ज्यादा पानी है। आपको यहाँ से तो लगातार हम हालात बता ही रहे लेकिन हथनी कुंड बैराज हरियाणा में है और वहां को लेकर के बहुत सियासत हो रही है। हमारे सहयोगी शिवांग वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम जरूर चलेंगे लेकिन उससे पहले राजघाट हम पहुंचते हैं जहां पर हमारे सहयोगी पंकज झा मौजूद है। पंकज जी, तस्वीरें राजघाट की बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, राजघाट डूब गया है दिल्ली का इस पानी में, क्या है ताजा तस्वीरें वहां से? देखिए, जो देश विदेश से लोग आते थे महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए, ये जो राजघाट है देखिए ना, महात्मा गांधी का सिर्फ नाम ही उस बोर्ड पर सिर्फ बचा रह गया, बाद बाकी पूरा इलाका अगर देखिएगा तो बिल्कुल डूबा हुआ सा है पूरा इलाका। इसको बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया गया है और अगर इसको पंपिंग सेट से पानी को नहीं निकाला गया तो धीरे धीरे पानी तो पिछले 2 दिनों में कम हो रहा है लेकिन अगर यही हालात रहे तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा। जितने अप्रोचेबल रोड्स हैं यहाँ पर राजघाट तक पहुँचने के लिए देखिए सब पानी में डूबा हुआ है। तो राजघाट की जो वायरल तस्वीर हो बिल्कुल सच है, सारे यहां तक के अंदर में जो कैमरे हैं आपको बताऊं सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं, साथ में पूरा राजघाट का प्रांगण और साथ ही दफ्तर और महात्मा गांधी की समाधि पूरा पानी में, ये राजघाट डूबा हुआ है।